हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को पहाड़ अर्थात टेबल का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे आप एक बार समझ जाएंगे तो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये तरीका जानने के लिए बस आपको सिर्फ 8 तक का टेबल याद होना चाहिए। यदि आपको 8 तक का टेबल याद है तब आप बहुत इजीली वे में इसके आप बना सकते हैं या लिख सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। अब मैं आपको 9 का टेबल लिखने का तरीका बताने जा रहा हूं। 9 का टेबल लिखने के लिए सबसे पहले आप 0 से लेकर के 9 तक लिख देते हैं। यहां मैंने लिख दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जस्ट इसके बगल में आपको 9 से रिवर्स करके लिखना है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए आपको 9 का टेबल तैयार हो गया है। अब मैं आपको 16 का टेबल लिखने का तरीका बताने जा रहा हूं कि 16 का टेबल को कैसे लिखा जाता है। 16 मेरा दो नंबर से मिलकर बना है, 1 और 6। सबसे पहले हमको 1 का टेबल लिख देना है। यहां मैंने 1 का टेबल लिख दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद जस्ट इसके बगल में 6 का टेबल लिख देना है। यहां मैंने लिख दिया है। अब आपको क्या करना है कि अब आप 6 का टेबल को दो भाग में बांट देना है। देखिए इसको कैसे बांटते हैं हम इन से। 6, 0, 6, यहां पर 0, 6 लिखे हुए हैं तो यहां पर दो डिजिट है मेरा। एक है मेरा 6 है और उसके पहले मेरा 0 है, अर्थात ये हो गया मेरा यूनिट प्लेस और 0 मेरा टेंथ प्लेस। उसी तरह 12 में ये यूनिट प्लेस और ये टेंथ प्लेस, हिंदी में इकाई संख्या और दहाई संख्या कहते हैं। अब आपको 1 का टेबल में 6 का टेबल को 6 का टेबल का टेंथ प्लेस वाला नंबर को ऐड करना है। देखिए यहां पर मेरा 1 का टेबल में 1 है और 6 का टेबल में मेरा टेंथ प्लेस मेरा 0 है। दोनों को हम सम किए तो मेरा आ गया 1। उसी तरह 2 और 1 मेरा हो गया 3, 3 और 1 मेरा हो गया 4, 4 और 2 हो गए 6, 5 और 3 हो गए 8, 6 और 3 हो गए 9, 7 और 4 हो गए 11, 8 और 4 12, 9 और 5 14, और 10 और 6 16। ये मैंने सम करके लिख दिया। इसके बाद आपको 6 का टेबल का यूनिट प्लेस वाला इकाई संख्या वाला को इनके बगल में लिख देने हैं। अब देखिए इनके बगल में 6 के बगल में 6 लिख दिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, 8 है तो 8 लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए, यहाँ 6 है तो यहाँ हम 6 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए, 8 है तो 8 लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए और 0 है तो 0 लिख दिए। बस आपका 16 का टेबल याद हो गया, तैयार हो गया। देखिए 16, 1 जा 16, 16, 2 जा 32, 16, 3 जा 48, 16, 4 जा 64, 16, 5 जा 80, 16, 6 जा 96, 16, 7 जा 112, 16, 8 जा 128, 16, 9 जा 144, 16, 10 जा 160। यही रूल आपको 1 से लेकर के 99 या 100 तक में लागू होगा। 100 का टेबल तो सभी को याद रहता है। अब मैं आपको दो और प्रश्न टेबल लिखने का तरीका बता रहा हूं। अब देखिए आपको 24 टेबल को हम कैसे लिखते हैं। 24 मेरा दो डिजिट से बने हुए हैं, 2 और 4। सबसे पहले हमको 2 का टेबल लिख देना है, इसके बाद हमको 4 का टेबल लिख देना है, इसके बाद हमको इन दोनों का सम करना है,
यहाँ हो गया 2, इनका हम सम किए थे यहाँ हो गया 4, यहाँ हम सम किए थे इनका हो गया 7, ऐसे करते हुए हमको आगे बढ़ जाना है। तो मेरा ये सम लास्ट में मेरा सम आ गया 20 और 4 24। इसके बाद आपको 4 का टेबल का यूनिट प्लेस को इनके बगल में लिख देना है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, अब आपका 24 का टेबल तैयार हो गया है। अब देखिए 48 का टेबल को कैसे लिखते हैं। 48 मेरा दो डिजिट से बने हुए हैं 4 और 8, 4 का टेबल को लिख देने हैं। इसके बाद हमें 8 का टेबल लिख देने हैं। अब 4 और 0 को ऐड करेंगे मेरा 4 आएगा, 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 आएगा, 12 और 2 को ऐड करेंगे तो मेरा 14 आएगा, 16 और 3 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 20 और 4 को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। ऐसे करके हमको ऐड करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो मेरा लास्ट में 48 हो जाएगा। इसके बाद 8 का टेबल का हमको इकाई संख्या बगल में लिख देने हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, अब आपका 48 का टेबल तैयार हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ, धन्यवाद।